जब हम बात करते हैं लेजेंडरी पोकेमॉन्स की तो हमें अच्छे से पता है कि वो कितने ज़्यादा ताकतवर होते हैं एंड नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स उनके सामने क्या है। बट पोकेमॉन वर्ल्ड में तब भी कुछ ऐसे नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी हैं जिन्होंने इवन लेजेंडरीज तक को सरपास कर रखा है एंड कुछ मौकों पर तो उन्हें हरा भी रखा है। सो या गाइस, आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसे कौन से नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं जो कि इवन लेजेंडरी तक से ज़्यादा ताकतवर हैं। आई नो ऐसे काफ़ी सारे नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स अभी तक आ चुके हैं जो कि इवन लेजेंडरी तक से ज़्यादा ताकतवर हैं, बट आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 पोकेमॉन्स को ही लिया है क्योंकि भाई अगर सभी को इंक्लूड करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एंड या मैंने मैस्कॉट लेजेंडरीज को भी इंक्लूड किया है, बट मैंने मैस्कॉट लेजेंडरीज को बस अभी तक की पावर पर ही लिया है कि अभी तक उनकी कितनी ताकत दिखाई गई है, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो मैस्कॉट लेजेंडरीज को पोकेमॉन वाला कोई भी नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन कभी भी नहीं हरा सकता है। सो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ऐसी पोकेमॉन वीडियोस नहीं के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट की स्टार्टिंग करता है गैराडॉस। नो डाउट गैराडॉस शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिव रहा है। कैंटो से देख लो भाई, गैराडॉस की क्या ही कहने। शुरू से ही गैराडॉस की ऐसी अपीयरेंस दिखाई गई है ना कि कोई भी इसका फैन बन सकता है। एंड पर्सनली बताऊं तो गैराडॉस मुझे भी काफी अच्छा लगता है, मान सकते हो ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोकेमॉन है। अगर हम इसकी पावर के बारे में जानती हो, पोकेमॉन काफी ताकतवर है एंड खास के लाइसेंडर गैराडॉस जो कि मेरे पर्सनल ओपिनियन में पोकेमॉन वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल गैराडॉस है। लाइसेंडर गैराडॉस की अगर तुमने परफॉर्मेंस देखी तो तुम्हें पता ही होगा कि वो कितना ताकतवर है। लाइसेंडर के मेगा गैराडॉस ने एश की पूरी टीम, अलान के मेगा चार्जर्ड एक्स और मालवा के मेगा हाउंडूम को अकेले हैंडल किया है। एंड लिटरली इतना डोमिनेटिव पोकेमॉन तो मैंने आज तक नहीं देखा था। इतने सारे पोकेमॉन मिलकर इस पर अटैक कर रहे थे पर तब भी इसे हराना काफी मुश्किल था। और तो और इसने ग्रेनिंजा एंड पिकाचू को छोड़ के ऐश के सारे पोकेमॉन्स को नॉकआउट कर दिया था। तो तुम सोच ही सकते हो कि लाइसेंडर का मैग गैराडॉस कितना ताकतवर है। एंड जहां तक बात रही लेजेंडरीज को ओवरपावर करने की, इस बात के बारे में 100% श्योर हूं कि लाइसेंडर का मैग गैराडॉस सारे के सारे नॉर्मल लेजेंडरीज से ज्यादा ताकतवर है, लाइक लेजेंडरी बर्ड्स, लेजेंडरी बीस्ट, फोर्सेस ऑफ नेचर एटसेट्रा। और अगर ये काफी अच्छे से फाइट करे तो ये मैस्कॉट लेजेंडरीज को भी टक्कर दे सकता है। लिस्ट में अगला नाम आता है मेगा गार्डेवोर का। पोकेमॉन वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल गार्डेवोर डायनथा के पास है। डायनथा की मेगा गार्डेवोर और ये कालू सीजन की चैंपियन है। इसी बात से तुम इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो। भले ही इसे एनिमे में इतना ताकतवर ना दिखाया गया हो, बट ऑब्वियसली अगर ये कालोस की चैंपियन है तो डेफिनेटली इसने सारे के सारे एलीट फोर्स को हरा दिया होगा, जिसमें इवन सीबोल्ड का मेगा ब्लास्टोइस भी शामिल होगा। पूरे कालोस में तुम्हें ऐसा कोई पोकेमॉन नहीं मिलेगा जो कि डायनथा की मेगा गार्डेवोर को हरा सके। एंड जहां तक बात रही इसकी पावर्स की, अगर डायनथा की मेगा गार्डेवोर ने अपनी पूरी ताकत यूज की तो ये नॉर्मल लेजेंडरीज को तो हरा ही देगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये इवन कुछ मैस्कॉट लेजेंडरीज को भी ओवरपावर कर सकती है एंड क्या पता उन्हें हरा भी दे, लाइक बेस फॉर्म इटर्निटस जिसे लियोन के चार्जार्ड ने ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। इसके पास काफी सारे पावरफुल अटैक्स भी हैं जैसे कि मून ब्लास्ट, शैडो बॉल, रिफ्लेक्ट, ऐसे कई सारे मूव्स। एंड इसकी साइकिक एबिलिटीज इसे काफी ज्यादा ताकतवर बना देती हैं। एंड अगर तुम लोगों ने चैंपियनिंग रिसर्च बैटल वाला एपिसोड देखा होते हैं, पता होगा डायनथा की मेगा गार्डेवोर ने कितनी आसानी से ग्रेनिंजा के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लिया था। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर अपनी फुल पावर से फाइट करे तो ये पोकेमॉन वर्ल्ड में 10 से भी ज्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन्स को सरपास कर सकती है। नंबर 4, ग्रेनिंजा। ग्रेनिंजा एक तरह से फैंस का फेवरेट रहा है जब से एक्स वाई सीरीज आई है। एंड रहे भी क्यों ना भाई, इसकी अपीयरेंस, इसका स्टाइल, इसका डिजाइन और खास की इसकी बैक स्टोरी इसे फैंस का फेवरेट बनाने के लिए काफी थी। एश ग्रेनिंजा ने लगभग हर बार खुद को साबित किया ये कितना ज्यादा ताकतवर है। एंड अगर हम इसके विनिंग रिकॉर्ड्स को देखें तो इसने अब तक 2 बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट्स को हराया है, जिनमें शामिल है वल्फ्रिक का मेगा बम स्नो एंड सॉवियर का सुपर पावरफुल मेगा सेप्टाइल। एंड अगर हम ग्रेनिंजा की पावर के बारे में बात करें तो पावर के मामले में तो ग्रेनिंजा ने सारे के सारे नॉन लेजेंडरीज को सरपास कर दिया है, क्योंकि ग्रेनिंजा ने कमिंग अपार्ट एट द ड्रीम्स वाले एपिसोड में जितनी ताकत दिखाई उतनी ताकत आज तक कोई भी नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं दिखा पाया है। उस एपिसोड में अपने बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर से इसने एक एक्सट्रीमली पावरफुल रे का सामना किया है। और तो इसके पास कुछ मिस्टीरियस पावर्स भी हैं, जैसे कि जिन वाइंस को इवन ज़ायगार्ड भी नहीं देख पाता था उन वाइंस को ग्रेनिंजा देख सकता था। और तो और ग्रेनिंजा चीजों के आर पार भी देख सकता है। सो इस हिसाब से मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि नॉर्मल लेजेंडरीज तो ग्रेनिंजा के सामने कुछ भी नहीं रहेंगे। एंड अगर आप ग्रेनिंजा अपनी फुल पावर का यूज करें तो ये काफी सारे मैस्कॉट लेजेंडरीज को ओवरपावर कर सकता है, लाइक ज़र्नियस, येवेल्टल, 50% ज़ायगार्ड एंड बेस फॉर्म इटर्निटस। नंबर 3, ब्लास्टोइस। ब्लास्टोइस के बारे में यार क्या ही कहने। एंड पर्सनली इन्फर्निप के बाद ये मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट स्टार्टर पोकेमॉन है। पोकेमॉन वर्ल्ड में कई सारे ब्लास्टोइस एक्जिस्ट करते हैं, बट पोकेमॉन वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल ब्लास्टोइस सीबोल्ड का मेगा ब्लास्टोइस है, जिसने लिटरली इतना डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिया कि मैं क्या ही कहूँ। इसने अलान के चार्जर्ड को काफी इजीली हरा दिया था। पूरे मैच में अलान का सुपर पावरफुल मेगा चार्जर्ड सीबोल्ड के मेगा ब्लास्टोइस को छू तक नहीं सका। बस एक ही अटैक परफॉर्म कर पाया था और वो था ड्रैगन क्लॉ, और वो भी तब जब सीबोल्ड के ब्लास्टोइस ने उसे खुद ललकार के बुलाया था कि भाई आज अब मार के दिखा। पहली बार किसी ने अलान के चार्जर्ड को 1.5 मिनट से भी कम समय में हरा के दिखाया था, वो भी सिर्फ 3 अटैक मार के ही, 2 ड्रैगन पल्स एंड एक हाइड्रो पंप। और तो तुम इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि इसने बेस फॉर्म में अलान के चार्जर्ड के ड्रैगन क्लॉ को अपनी स्कल बैश से रोक लिया था बिना मेगा इवॉल्व किए। एंड भाई मेगा लॉन्चर के कारण इसके ड्रैगन पल्स की पावर कितनी बढ़ जाती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि सारे के सारे नॉर्मल लेजेंडरीज से ज्यादा ताकतवर है। एंड जहां तक बात रही मैस्कॉट लेजेंडरीज की, अगर इसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की तो इटर्निटस 50% ज़ायगार्ड एंड येवेल्टल को हरा सकता है, क्योंकि अब तक तो हमने इसकी 10% स्ट्रेंथ ही देखी है, क्योंकि अलान के चार्जर्ड से लड़ते वक्त ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। नंबर 2, चार्जर्ड। चार्जर्ड को नंबर 2 पर रखने का मेरा बस एक ही कारण है, लियोन का जी मैक्स चार्जर्ड, क्योंकि एशन अलान के चार्जर्ड सीबोल्ड के मेगा ब्लास्टोइस से नहीं जीत सकते।
बट ऑफकोर्स लियोन का चार्जार्ड जीत सकता है, इसलिए वो सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टोइस इस लिस्ट में आगे है। बट ऐसा भी नहीं कि बाकी के चार्जार्ड कमजोर हैं, एश का चार्जार्ड बेस फॉर्म में कंप्लीट मॉन्स्टर है एंड हम जानते हैं कितना ज़्यादा ताकतवर है। वहीं दूसरी तरफ अलान का सुपर पावरफुल मेगा चार्जार्ड एक्स पूरे पोकेमॉन एनिमे का मोस्ट डोमिनेंट पोकेमॉन रहा है, जिसने पूरे कालोस में अपनी डोमिनेंस दिखाई है। एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे चार्जार्ड्स की पावर एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चार्जार्ड्स हमेशा से ही पोकेमॉन वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन रहे हैं। एंड अगर हम इस पोकेमॉन की पावर के बारे में जाने दें, डेफिनेटली सारे के सारे नॉर्मल लेजेंडरी से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। और बात रही अगर मैस्कॉट लेजेंडरीज की, ये मैस्कॉट लेजेंडरीज को भी डेफिनेटली हरा सकता है। लाइक 50% जायगार्ड बेस फ्रॉम ग्राउंड गायगोर इटर्नेटस जर्निया सेवेल्टल, ये सारे के सारे पोकेमॉन्स, क्योंकि सारे के सारे चार्जार्ड्स की पावर काफ़ी ज़्यादा है। एंड देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डाउट कि चार्जार्ड अगर लड़ना चाहे तो ये लेजेंडरीज तक को सरपास कर सकता है, भले ही ये ओवर पावर्ड मैस्कॉट लेजेंडरीज को ना हरा पाए, बट नॉर्मल मैस्कॉट लेजेंडरीज को हरा सकता है। एंड या फाइनली नंबर वन पिकाचू, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिकाचू नंबर वन पे रहेगा ही। अब देखा जाए तो यहाँ पे चार्जार्ड फिलहाल के लिए पिकाचू से आगे है, क्योंकि अभी तक पिकाचू को अपना जिगेंटामैक्स फॉर्म कंट्रोल करना नहीं आता। एंड इसलिए फिलहाल के लिए देखा जाए तो चार्जार्ड की पावर पिकाचू से ज़्यादा है। फ्यूचर में भले ही जिगेंटामैक्स पिकाचू पोकेमॉन वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन रहे, बट फिलहाल के लिए तो चार्जार्ड ही है। लेकिन फिर भी मैंने पिकाचू को आगे क्यों रखा है, इसका बस एक ही कारण है कि भाई पिकाचू ने प्रैक्टिकली ये करके दिखाया। मतलब पिकाचू ने प्रैक्टिकली कई सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को हराया, एंड मुझे नहीं लगता कि जितने लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पिकाचू ने हराया उतने लेजेंडरी पोकेमॉन्स को किसी भी नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन ने हराया होगा। पिकाचू ने चार चार लेजेंडरी पोकेमॉन्स को हरा रखा है, रेजियाइस, लाटियोस, टापू कोको एंड शिवाली। एंड अगर पिकाचू अपनी पूरी ताकत यूज करे तो ये कई सारे मैस्कॉट लेजेंडरीज को भी हरा सकता है, एंड नॉर्मल लेजेंडरीज इसके सामने सच में कुछ भी नहीं है। सो या मुझे नहीं लगता कि मुझे पिकाचू को और एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तुम्हें काफी अच्छे से पता होगा कि कितना ताकतवर है। अब ऐसा नहीं कि चार्जार्ड्स उन सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को नहीं हरा सकते जिन्हें पिकाचू ने हराया, बट फिलहाल के लिए चार्जार्ड्स ने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैंने पिकाचू को इस लिस्ट में सबसे आगे रखा है। सो गाइस यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं कभी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।